तो अगर आप ये सीक्रेट चीट कोड डायल करते हो तो क्या आपके न्यू हाउस के स्विमिंग पूल के अंदर ये सबसे बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क स्पॉन होने वाली है? तो क्या है इसका सीक्रेट चीट कोड, जानेंगे आज की इस मिथ वाली वीडियो के अंदर। तो गाइस अपना पहला मिथ है कि हॉर्स एंड डॉग को एक साथ में स्पॉन करो, जब दोनों का बटन एक साथ में आएगा तब बैठ जाना है और वापस उतरने के बाद डॉग आपको फॉलो करेगा। इवन यहाँ पर अगर आप हिट करते हो तो भाई डॉग भी हिट करेगा। Try on NPC. Let's go. तो गाइस आप सभी को पता होगा पहले वाले अपडेट के अंदर डॉग अपने को फॉलो करता था, लेकिन ये वाले अपडेट के अंदर क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मली हम डॉग के ऊपर बैठ सकते हैं, तो आप सभी को पता होगा। इवन गाइस हम NPC के पास में जाते हैं ना, तो ये पंच वाला बटन प्रेस करेंगे तो डॉग NPC को काटता भी है, लेकिन पहले वाले अपडेट की तरह ये डॉग अभी हमें फॉलो नहीं करता है। लेकिन भाई ने जो ग्लिच बताया उसको ट्राई करके देखते हैं। तो चलो सामने हॉर्स को स्पॉन करते हैं। हॉर्स का चीट कोड है 200 और यहाँ पर हॉर्स आ चुका है। अब दोनों के बटन एक साथ में आने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो राइट में आ भी रहे। अब प्रेस करते हैं तो ये भाई ये तो घोड़े के अंदर ही घुस गया भाई, कितना अजीब पोजीशन में बैठा ये। अब इसके बाद में हमें एग्जिट करना है वापस। अब देखते हैं यहाँ पर कुत्ता अपने को फॉलो करता है या फिर नहीं। ओ भाई यार ये अपने को फॉलो नहीं कर रहा, जहां पर अपन जा रहे ना वहीं पर जा रहा है, तो एक तरह से ये फॉलो ही कर रहा है ना अपन को। और यहाँ पर अगर मैं भागू तो ये भी मेरे साथ भागेगा क्या? चल बाहर की साइड में चलते हैं। और जो भाई ये देखो मैं यहाँ पर मुड़ा, ये भी यहीं पर मुड़ा है और मेरे से ज्यादा तेज भाग भी रहा है ये। तो यहाँ पर आधा मिथ तो ये कंफर्म हो चुका है, लेकिन भाई ने बोला था कि एनपीसी को हिट भी कर सकता है ये। तो अभी गाइस डॉग को मैं बाहर की साइड में लेके आ चुका हूँ, यहाँ पर पंच बटन था। अरे भाई एनपीसी को मार रहा है। ओ भाई ये एनपीसी को मारता भी अलग से, भाई मार भी दिया बेचारे को। और यहाँ पर भाई फुटबॉल बना के खेल रहा है यार, एनपीसी की तो वाट लगा दी। चलो यहाँ पर दूसरे एनपीसी को देखते हैं। गाइस यार इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी हाँ ये मिथ कंफर्म्ड है। ओके गाइस अपना नेक्स्ट मिथ है कि कुछ बड़ी बिल्डिंग या फिर मेगा रैम के ऊपर हम डायनासोर को स्पॉन करते हैं तो वो बिल्कुल भी हिलते नहीं है। ठीक है भाई समझ गया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, सारे डायनासोर को स्पॉन करते हैं नॉर्मली जमीन के ऊपर, उसके बाद ले जाएंगे स्काई स्क्रेपर पर। ठीक है तो यहाँ पर अभी देखो मैंने वेलोसिरैप्टर टीरेक्स को स्पॉन कर दिया, ये अपने आप ही हिल रहे हैं। ठीक है मैं इनको हिला नहीं रहा। ये देखो भाई सारे के सारे डायनासोर को मैंने स्पॉन कर दिया और ये अपनी मर्जी से कहीं भी जा रहे हैं भाई, कहीं भी। और इसको देखो भाई साहब ये तो मेरे घर में ही घुस रहा है यार, और ये पता नहीं कहाँ पे टहलने निकले हैं। चलो गाइज अभी ये सेम चीज मेगा रैम के ऊपर ट्राई करके देखते हैं। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ मेगा रैम के ऊपर। अब जल्दी से यहाँ पर सारे के सारे डायनासोर को स्पॉन करते हैं। 50 से आता है यहाँ पर वेलोसिरैप्टर, 51 से आता है यहाँ पर टीरेक्स। बाकी गाइज इन डायनासोर को देखो भाई बिल्कुल भी चल नहीं रही है, एक ही जगह पे खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पर 52 से स्पाइनोसोरस को बुलाते हैं और 53 से आता है यहाँ पर ब्रैक्योसोरस। तो सारे डायनासोर को पहले बुलाते उसके बाद देखेंगे। तो गाइस मैंने सारे के सारे डायनासोर को स्पॉन कर दिया है मेगा रैम के ऊपर, लेकिन एक भी डायनासोर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। देखो वेलोसिरैप्टर टीरेक्स यहाँ पर ब्रैक्योसोरस सबको बुला दिया है, इसका मतलब हाइट के ऊपर ले जाने के बाद डायनासोर मूवमेंट करना बंद कर देते हैं। तो भाई ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। ऑलराइट अपना नेक्स्ट मिथ है कि डॉग एंड आरपीजी का बटन एक साथ में दबाओ फिर होगा मैजिक। तो गाइस ये न्यू अपडेट में हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पर 600 से मैंने डॉग को बुला लिया, अब यहाँ पर लेते हैं आरपीजी को। अब देखते हैं भाई क्या मैजिक होता है। तो भाई ने बोला है कि आरपीजी प्लस डॉग के ऊपर बैठने का बटन साथ में दबाना है, भाई डॉग ना मर जाए, इसलिए यहाँ पर मैं आरपीजी को पीछे की साइड में चलाऊंगा। चलो दोनों बटन एक साथ दबाते हैं, लेट्स गो। भाई साहब यहाँ पर आरपीजी मैंने चला दिया है प्लस डॉग के ऊपर भी एक साथ में बैठ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई मैजिक तो देखने को नहीं मिल रहा है। एक सेकेंड यहाँ पर आरपीजी को पहले सिलेक्ट करके देखता हूँ, शायद यहाँ पर कुछ मैजिक हुआ हो। ओ वेट गाइज नीचे देखो, नीचे भाई अजीब सी लाइट आ चुकी येलो कलर की, आई थिंक आपको दिख नहीं रही होगी। काम करते हैं यहाँ पर नाइट मोड लगा के आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो नाइट मोड। और यहाँ पर अरे लाइट गायब हो गई यार, अभी तो लाइट अच्छा भाई वो आरपीजी के अंदर आ रही थी। भाई आरपीजी सिलेक्ट करते हैं फटाक से। ओके ये देखो गाइज आरपीजी मतलब जो रॉकेट है ना वो अटक चुका है आरपीजी के बीच में। ये देखो लाइट निकल रही है वहां से, काफी खतरनाक लग रहा है ना गाइज। आरपीजी को तो भाई साहब अपन ने लैंप लाइट बना दिया है। अब गाइज मैं स्कोप बटन दबाने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है। नॉर्मली भाई इसने अपने आप ही आरपीजी चला दी, मैं नहीं चला रहा गाइज, ऑटोमेटिक चल रही है। बाकी गाइज मिथ कंफर्म्ड। ऑलराइट अपना नेक्स्ट मिथ है कि पुलिस स्टेशन पे पुलिस को स्टिकी बॉम्ब से मारोगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले नॉर्मली यहाँ पर बंदूक से फायर करके देखते हैं भाई होता क्या है। सीधा इसके भेजे पे मारेंगे। ओ भाई सारे के सारे पुलिस वाले जितने भी पीछे थे ना मारने के लिए मुझे आ चुके, लेकिन एक को भी नहीं छोड़ने वाला मैं, सारे के सारे मरेंगे। तुम्हारी ऐसी की तैसी भाई साहब, भाई 3 स्टार पीछे पड़ चुके और मेरी हेल्थ देखो यार, बिल्कुल 1 पॉइंट बची है यार, बिल्कुल 1 पॉइंट। चलो गाइस दूसरी बार ट्राई करते हैं, इस बार स्टिकी बॉम्ब चिपकाएंगे पुलिस वाले के ऊपर। चलो भाई इसके ऊपर, अरे यार पीछे गिर गया। यहाँ पर मैंने दोनों के ऊपर स्टिकी बॉम्ब लगा दी है, अब जल्दी से ब्लास्ट करते हैं। अरे यार मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, स्टिकी बॉम्ब ये रहा एक्टिवेट। 1 2 3 लेट्स गो। भाई इतना लेट फटे हैं भाई। ओ एक तो बिल्कुल हवा में गया गाइस, ये रिस्की शैडो और भाई आगे गिर गया। लेकिन यार भाई ने बिल्कुल सही बोला था कि पुलिस अपने पीछे नहीं पड़ेगी, ना ही कोई पुलिस वाला अंदर से उठ के आएगा। और इसकी गर्दन को भाई, इसको पोलियो हो गया क्या यार, ये ग्लिच कैसा है भाई, कितना अजीब लगता है ये देखो।
गर्दन इसकी कहाँ चली गई भाई। बाकी हाँ गाइस ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। ओके गाइस अपना नेक्स्ट मिथ है कि टेबल या फिर बेड के बीच में स्टिकी बॉम्ब चिपकाना है और उसको आरपीजी से फोड़ना है फिर होगा मैजिक। तो गाइस मैं तो यहाँ पर बेड के ऊपर ट्राई करूंगा। सबसे पहले इन्फाइनाइट हेल्थ लगाते हैं क्योंकि स्टिकी बॉम्ब का सवाल है भाई साहब, फाड़ के रख देंगे। चलो भाई यहाँ पर बेड के नीचे अपन को चिपकाना है। अरे यार ये तो यहीं पर गिर गया। ओके ये भी परफेक्ट नहीं है। अरे यार कोई तो उसके नीचे, हाँ ये परफेक्ट गया, ये भी परफेक्ट और ये भी परफेक्ट। चलो भाई अपना काम हो गया। अब आरपीजी से यहाँ पर स्टिकी बॉम्ब के ऊपर शूट करना है और ओ भाई यहाँ पे तो सूरज बन गया पूरा। मैंने यार इतने सारे स्टिकी बॉम्ब तो नहीं चिपकाए थे। वेट, एक स्टिकी बॉम्ब फटा और इतने सारे स्टिकी बॉम्ब कैसे फट गए भाई ऊपर समझ नहीं आ रहा। दूसरे के ऊपर ट्राई करके देखते हैं। इसके ऊपर एकदम परफेक्ट निशाना लगाया था लेकिन ब्लास्ट क्यों नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है ये इनविजिबल वॉल के पीछे चले गए यार। यहाँ पर अच्छे से ओ भाई साहब ये देखो फिर से सूरज बन गया। यार एक स्टिकी बॉम्ब इतनी देर तक कैसे फट सकता है। और ये वाले स्टिकी बॉम्ब का मैंने एक्टिवेट करके फोड़ते हैं और नहीं गाइस एक्टिवेट करने पे तो कोई मैजिक नहीं हुआ। बाकी हाँ ये मिथ कंफर्म्ड है। ओके गाइस अपना नेक्स्ट मिथ है कि जेट पैक को स्पॉन करो, उसके बगल में निंजा S2R को स्पॉन करो, फिर दोनों में एक साथ बैठने के बाद रेलवे स्टेशन के पास में जो पानी है वहां पर जाके एग्जिट करो फिर होगा मैजिक। तो गाइस अभी हम तालाब के पास में आ चुके हैं और ये तालाब पूरा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ा वाला जेट पैक मंगाते हैं जो कि ये 320 से आता है और इसके बगल में भाई यहाँ से स्पॉन करते हैं। निंजा S2R का चीट कोड है 3000। ओके तो यहाँ पर बाइक प्लस दोनों का बटन एक साथ आ भी चुका है। चलो भाई तो बैठते हैं यहाँ पर और ये इस बार बाइक के ऊपर बैठा है। तो ये वाली बाइक को हमें पानी के अंदर लेके जाना है फिर होगा मैजिक। पता नहीं क्या मैजिक होने वाला है, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन पानी के अंदर आई थिंक ये पूरी डूबनी चाहिए तभी मैजिक होगा, है ना। तो यहाँ पर गहरा पानी कहाँ पर है यार। ओके हम आ चुके हैं पानी के बिल्कुल अंदर। अब करते हैं एग्जिट और देखते हैं भाई क्या होता है, क्या हमारा कैरेक्टर जेटपैक के पास में वापस चला जाएगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ यार, कुछ भी तो नहीं हुआ यार। एक काम करते हैं बाहर चल के देखते हैं शायद कुछ अलग। ओ भाई ये कौन सा ग्लिच है भाई, मैं तो दीवार के आर पार जा पा रहा हूँ यार। और सामने मेरा जेटपैक कहाँ गया भाई, वो रहा जेटपैक वहाँ सामने उड़ रहा है वो देखो टावर के पास में। कैमरा चेंज करके भाई साहब ओके यहाँ पर जेटपैक को मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ पानी में तैरते हुए, लेकिन भाई मैं जमीन से बाहर कैसे आऊंगा, वो जा रहा मेरा जेटपैक देखो। तो अभी मैं यहाँ पर पीसी में खेल रहा हूँ तो एक काम करता हूँ इसको नीचे लाने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट यहाँ पर मैं इसको अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, अगर मैं पीसी में ना खेल रहा होता तो भाई ये बिल्कुल नीचे ना आता। लेकिन गाइस यहाँ पे तो मैं बिल्कुल ही फंस चुका हूँ, ओनली मेरी मुंडी दिख रही है बाहर, कैसा अजीब सा लग रहा है यार ये। बाकी हाँ गाइस ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। ऑलराइट गाइस अपना लास्ट मिथ है कि अगर आप 98900 चीट कोड डालोगे तो फिश आएगी स्विमिंग पूल के अंदर, 100% न्यू अपडेट। भाई ये सीक्रेट चीट कोड है क्या जो किसी को नहीं पता आज तक। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने स्विमिंग पूल के पास में, यहाँ पर कोई भी शार्क नहीं है। तो भाई ने चीट कोड बताया था 98900। चलो भाई ये चीट कोड मैंने डाल दिया है और जल्दी से डायल करके देखते हैं भाई शार्क आती है या फिर नहीं या फिर कोई भी फिश। अरे यार गाइस यार ये वाला चीट कोड तो यार बिल्कुल फेक निकला, यहाँ पर तो कोई भी शार्क नहीं आई है। मैं तो भाई बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था भाई शार्क देखने को मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये वाला मिथ बस्ट है। लेकिन गाइस अगर आप चाहते हो कि ये वाली शार्क अपने गेम के अंदर भी आए तो कमेंट में लिखना ग्रेट व्हाइट शार्क। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड लव यू ऑल।